वीडियो थोड़ी लेट है, प्लीज़ ऑफेंड मत होना। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। अच्छा वो सब छोड़ो, डायरेक्टली अपने टॉपिक पर जंप करते हैं। देखो जैसे पिछले साल लॉकडाउन लग गया था एंड जो जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स थी, हर जगह जिनके भी ऑर्डर हो चुके थे, डिलीवरी होने वाली थी वगैरह वगैरह जो भी था, तो सबका जो था वो ब्लॉक हो गया था। ना किसी की डिलीवरी हो रही थी, ना किसी का अब ऑर्डर लिया जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसे में बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपसे वही सब चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि दिल्ली में जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर लेना ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ने बंद कर दिया है। जिनकी डिलीवरी है वो अटक चुकी है, कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर आपने ऐसा कोई ऑर्डर किया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना नीचे। अगर मेरे से कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो मैं आपको प्लीज़ वो सॉल्यूशन दूंगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बता देना। तो आज की इस वीडियो पर मैं यही आपसे बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आप कोई भी सामान मत मंगाओ। मंगाना भी आपसे कैश ऑन डिलीवरी पे मंगाओ अगर आपको मंगाना भी है तो, क्योंकि अगर आप प्रीपेड कर दोगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो यार क्या है कि कोरोना कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो हमारे पीएम साहब हैं वो किसी भी वक्त, जैसे पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन लगा सकते हैं। अगर आप प्रीपेड कर देते हो तो आपका पैसा ऑन द स्पॉट वहीं पास फंस जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे यार। आप मैं बता रहा हूँ, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पैसा वेस्ट हो जाएगा पूरा। ये रियलिटी मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए प्लीज़ कोई भी ऑर्डर मत दो आप किसी भी वेबसाइट को। और अगर आपको फ़ोन लेना है, कुछ भी लेना है, तो जल्द से जल्द जो भी लेना है जल्द से जल्द ले लो, क्योंकि लॉकडाउन लगना निश्चित तो नहीं है, बट कोरोना केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं तो लग भी सकता है। इसलिए मेरी आप लोगों से सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ जो भी करना हो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, कभी भी नहीं लग सकता है, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि लॉकडाउन अब पिछले साल कोई रास्ता नहीं था इसलिए लॉकडाउन लगाया था, लेकिन अब लॉकडाउन नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपके एरिया में केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं फिर भी वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ऑनलाइन हर चीज़ें बंद की जा सकती हैं। इसलिए जल्द से जल्द अगर आपको कोई चीज़ मंगाना है ऑनलाइन मंगा लीजिए। और हाँ एक चीज़ आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चीज़ है उसको प्रीपेड मत करिएगा, क्योंकि प्रीपेड कर दोगे आप, कुछ भी अगर दिक्कत आ गई आपका पैसा फंस जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सब कंपनी का जो होगा तो होगा, कंपनी के ऊपर होगा वो क्या करना चाह रही है। पिछले साल ऐसा बहुत सारा घाटा हो गया था, बहुत सारे लोगों का घाटा हो गया था, इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। बाकी ऑनलाइन शॉपिंग करिए आप लोग, बट कैश ऑन डिलीवरी करिएगा, जिससे कोई घाटा होने का वो ना हो, मतलब कि सवाल ना उठे कि हमको घाटा हो सकता है अगर कुछ हो गया तो, है ना। तो इस चीज़ पे ज़रूर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक्चुअली वीडियोस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, इसलिए मैंने अभी ये सेकंड हैंड फ़ोन लिया है। वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही होगी मेरे को पता है। तो है, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, जो जो नए नए फ़ोन आ रहे हैं उनके अपडेट्स मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उनको भी देखते रहिएगा, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोरोना बहुत बढ़ रहा है इसलिए गाइडलाइंस का पालन ज़रूर 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 करें।